हेलो फ्रेंड, तो आज सॉल्व करते हैं आपका टोटल लर्निंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियो के बारे में। तो जियो का हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो 10 रुपए मतलब समथिंग जो 6 पैसे पर मिनट अब जो चार्ज कटेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, क्या इसमें जियो को बेनिफिट हो रहा है, जियो भी हमसे धंधा कर रहा है क्या, जियो भी पैसा हमसे कमा रहा है बहुत ज्यादा, क्या आपको ऐसा लग रहा है? तो आज हम लोग इसका पूरा क्लियरिफिकेशन करने वाले हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जियो ऑलरेडी ऐसा उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, 6 पैसा पर मिनट जो जियो काट रहा है इससे उसको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बेनिफिट उल्टा हमें ही हो रहा है। तो ये देखो कैसे हो रहा है बेनिफिट। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आयुषी चार्ज, ठीक है ना, ये बहुत पहले से बोला गया था कि 31 दिसंबर तक की आयुषी चार्ज हट जाएगा। तो जियो ने क्या किया था कि इसके लिए मतलब जियो ने मतलब क्या किया था कि मतलब सोचा कि 31 दिसंबर तक हट जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो 3 साल का एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था, तो 3 साल तक उन्होंने हमें फ्री कॉलिंग दिया था। हम लोग क्या करते थे, किससे बात करना है, ठीक है ना, कॉलिंग करना है, ठीक है ना, फ्रेंड से बात करना, गर्लफ्रेंड से बात करना, किससे बात करना, पेरेंट्स से बात करना है, तो क्या करते थे हम लोग कि जिसके पास जियो है वो क्या करते, एक मिस कॉल, वो कॉल करते थे या एयरटेल वाले क्या करते थे, जियो वाले नंबर मिस कॉल करते थे। तो क्या होता था, इधर से जब हम इधर से कॉल बैक करते थे उसको, तो हम लोग लंबा टाइम बात करते थे, 1-2 घंटा 3 घंटा जो लगा रहते थे कॉल पे। तो उससे क्या होता था कि जियो को होता था लॉस। लॉस होता था कैसे कि जो जियो को है, जियो को एयरटेल से बात करें तो एयरटेल को जियो को देना पड़ेगा 6 पैसा पर मिनट का, उससे मतलब बात करने का उसे देना पड़ेगा, पर 6 पैसा करके देना पड़ेगा उसे जियो को, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जियो ने, उसे जियो ने अभी इसलिए कर दिया ये क्योंकि अब पहले वो जियो जो है 3,500 करोड़ के लॉस में चल रहा है। ओके, तो इससे जियो ने देखा कि यार ये कुछ ज्यादा ही भार हो गया, ये मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, ओवर हो गया, तो इन्होंने ये भार हम भी दे दिया, ठीक है। तो ऑलरेडी जियो ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये 13,500 करोड़ के लॉस में चल रहा था, जो कि उसने हमारा खर्चा उठा के रखा हुआ है 13,500 करोड़ रुपए। तो अभी 3 साल तक खत्म हो जाएगा, 2019 दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। तो ओके, तो मतलब अगर इसे रोक सकते तो नॉर्मली मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, कि आप इसे कैसे रोक सकते हो। तो आप जाकर के मतलब आयुषी मतलब जो लिंक दूंगा, ठीक है, मैं इसको आप वहां जाकर साइन कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा वोटिंग बढ़ेगा, आयुषी चार्ज को हटाने के लिए हम लोग सब मतलब ये वोटिंग करेंगे। ओके, जिससे क्या होगा कि आप मान लीजिए अभी के टाइम में क्या हो गया है, हम किसी भी अदर कॉलिंग को कॉल करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हमें कॉल बैक करेगा या हम उससे कॉल करेंगे, ठीक है, तो हमारा 6 पैसा कटेगा ही, ठीक है, 6 पैसा हमारा कटेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, 6 पैसा कटेगा तो ये बोझ जो हमारे में पूरा का पूरा आ जाएगा। आप उधर से जो कॉल करेंगे तो उधर से भी मतलब कटने वाला है, उधर से पहले 1.5 रुपए कटता था, तो इसलिए सब क्या करते थे, खाली मिस कॉल मारते थे जियो के नंबर पे। तो भाई जियो वाले तो है ही फ्री वाले ना, वो तो उधर से करेंगे ना, पैसा तो बच गया हमारा, 1.5 रुपए कटते थे उन लोग, एयरटेल वाले को 1.5 रुपए कटते थे, एयरटेल टाटा डोकोमो इस सब का मतलब 1.5 रुपए कटता था, तो इसीलिए उन लोग को लॉस लगता था। तो लोग क्या करते थे, खाली मिस कॉल मारते थे जियो वाले नंबर पे, जियो वाले खुद ही क्या करते थे, कॉल आएगा तो वो कट कर देंगे, जैसे कॉल बैक करेंगे। ओके, तो इसलिए क्या उसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है, जिस कारण की बहुत दिक्कत हो गया। तो इसीलिए आप जियो ने क्या किया कि हमारे पे ये लोड दे दिया है, तो अब जो ये हटेगा तभी कुछ चांस है कि ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन ये हटने तक तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, तो जहां तक कि अभी जियो ने एक और चीज निकाला है जिसमें बेनिफिट ये है कि जैसे 399 रुपए का रिचार्ज कराते हो तो प्लस आपको कॉलिंग के लिए अदर फोन में, आपको अदर कॉलिंग में बात करना है, अदर फोन में बात करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए का 20 रुपए का 40 रुपए का जो टॉक टाइम जो जियो ने ऑफर किया है, ठीक है ना, 10 रुपए में आप 2 घंटा बात कर सकते हो, 1 GB डाटा आपको मिलेगा, ठीक है ना, 399 के साथ आपको 10 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा पर डे अगर आपको कॉलिंग करना है तो। ओके, तो ये जो है मतलब आपको 2 घंटा को कॉलिंग मिलेगा उसमें, तो फिर आप जिसको उसको कॉल करना है तो वो 2 घंटा आप उसको कॉल कर सकते हो। और बहुत कुछ सोचते हैं क्या कि भाई मैं अपने आपको पोर्ट करवा लूँ, अदरस में चले जाऊँ, ठीक है, तो यार उससे भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उससे इसलिए कोई फायदा नहीं क्योंकि अदर कंपनी अब क्या करेगी कि जब जियो ने लॉन्च कर दिया तो अदर कंपनी भी इसे जरूर लॉन्च करेगी, ठीक है, आप पोर्ट करा लोगे तो कोई फायदा नहीं क्योंकि वो भी उसको क्या मतलब वापस घर से देगा पैसा, क्या नहीं देगा ना, तो फिर उसको भी तो लॉस हो जाएगा ना। तो वो क्या करेगा कि वो भी अपना ये सिस्टम लॉन्च करेगा, वो भी 6 पैसा पर मिनट लेगा ही लेगा, ठीक है। तो जहां तक कि एयरटेल आप जानते हो, एयरटेल भी मतलब पहले 1.5 रुपए काटता था, तो अभी थोड़ा सा कम किया था एयरटेल ने भी, तो उसने भी अपना टॉक टाइम ऑफर अच्छा दिया था, 300 या 400 रुपए का रिचार्ज समथिंग करने से मतलब आपको मिल जाता था, मतलब अनलिमिटेड कॉल मिल जाता था, वो भी 90 डेज के लिए भी दे देता था। लेकिन बट अभी जो अगर हमने चेंज कराएंगे तो उसमें हम लोग को बहुत सारा लॉस हो सकता है क्योंकि पोर्ट करा तो लेंगे यार, फिर बाद में वो भी चार्जेस करेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोग को घाटा लग जाएगा। ओके, तो यार पोर्ट मत कराओ, कोई बंदे जो भी पोर्ट मत कराओ, ठीक है ना, और कुछ दिन वेट करो और आईओसी यहाँ पे साइन करो, ठीक है ना, मैं लिंक दे दूंगा, साइन करो, साइन करके कल हम लोग सब मिलकर वोटिंग करते, इससे क्या होगा कि ये हमारा हट सकता है, आईओसी हट जाएगा चार्ज, तो क्या हो जाएगा कि हमारा कॉलिंग फ्री हो जाएगा, अदर नेटवर्क पे हम फ्री में कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वापस पुराने तरीके हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी जिससे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा बात पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको मैं जानकारी अच्छे से दे पाया। ओके, जहां तक कुछ खामियां बच गई होगी तो उसके लिए माफ करना भाई, और यार मतलब भाई का चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है, 1 सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और
बी हैप्पी ओके।